ये हम कितने टाइम बाद एक छोटे से मेले में हैं। आज है शिवरात्रि, तो हम शिवरात्रि वाले दिन आए हैं मंदिर में और मैंने पहना के लिए सूट डाला है। सूट चप्पल यहीं उतार दो। मैं उतार भी दी। अभी हम मत्थे टेक के वापिस आ गए हैं। दिखाओ यार, पैर दिखाओ। वहाँ पे यार क्या हो गया, ऐसा पता ही नहीं चला। वहाँ पे कुछ नीचे पड़ा हुआ था, उसके चक्कर में पैर कट गया। ये तो बड़ा ही कट लगा है। कट लगा है, कोई अंदर है नहीं, पक्की बात है। आपको पेन हो रहा, थोड़ा प्रेस करके देखो। नहीं नहीं, पेन नहीं हो रहा। थोड़े से ब्राउन भी कर दो, मतलब कि जो कच्चे अमरूद, मुझे कच्चे खाना पसंद है, बेर कच्चे खाना पसंद नहीं। अभी मंदिर से आ रहे हैं और ऋषि ने ना, उन्होंने ठंडाई पिलाते हैं ना, वो पी ली है ना, और उसके अंदर मुझे ऐसा लगा थोड़ी भांग थी। वो कितनी थी कितनी नहीं थी मुझे नहीं पता। ऋषि की आपको हालत दिखाती है, अभी क्या हो रही है, क्या हो गया, क्या हो गया, आवाज आपकी क्या चश्मे लगा के ज्यादा दिख रहा है, ब्लू ब्लू सा दिख रहा है, ब्लू ब्लू सा दिख रहा है। अच्छा, बकवास कर रही हूँ। भैया ने बोला था कि ऋषि को कहते वहां पे ठंडाई मिलती वो पिला देना। और आज डाला है मैंने सूट। टारा ऋषि, ऋषि क्या हो रहा है? अच्छा, आज आप भोलेनाथ जी से मिलना चाहते हो है ना? और आज मेरा सूट कैसा लग रहा है? सच्ची मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है सूट डाल के। मैं सोच रही हूँ मैं सूट डालना स्टार्ट करूँ। ऋषि कैसा लग रहा है? दिन सुबह से 20 बार पूछो कि अब कैमरे के ऊपर अब जान के पूछ रहा, ताकि मैं जान के आपकी तारीफ करूँ। ज्यादा क्यों? अच्छा, गर्मी के चक्कर में 2 ग्लास किसने पीने को बोला था? आप ना, मैं काट के लाती हूँ वाटर में। छक्कों को तो पकड़ लो यार। कुछ नहीं हुआ है, एक्टिंग कर रहा हूँ। मेरे को ऐसा हो रहा है अब, मेरे को होने लगा। आपका फेवरेट वाटरमेलन। बिना चम्मच के कैसे खा रहे हो? बिना फॉर्क के हाथ से खाते हो आप तो? एक्टिंग। आंखें लाल नहीं मेरी? हाँ, मुझे लग, मुझे मैं तो खुद कह रही हूँ मेरी आंखों में ऐसे लगाया कोई रेड कराओ। आज मेरा दिन बहुत एंटरटेनिंग जाने वाला है। उसमें को सारा दिन एंटरटेनमेंट मिलता रहेगा। आराम से, ज्यादा सर दर्द तो नहीं हो रहा कुछ? ये पक्का मैंने साफ किया था दिवाली पे, आज तक साफ है। क्या बात है, आपको आज याद आ रहा है? ऐसे जैसे लग रहा है ऐसे पक्का घूम रहा है। पक्का घूम रहा है ऐसे दिख रहा है? हाँ, ऐसे ऐसे हल्का हल्का पक्का घूम रहा है, और ऐसे कमरा भी ऐसे घूम रहा है। है? सच्ची बताओ। कानों में से वो शां शां की आवाज आ रही है। नहीं, आपने पहली बार खाई है? शां, पहले बताओ आपने पहली बार, सॉरी आपने पहली बार पी है? घबराहट से होने लगी। अब घबराहट हो रही है? सो जाओ फिर, आप सही बता रही हूँ। तरबूज खा के सोऊंगा। ठीक है, जब तरबूज काट के लाई हूँ तब बोल रहे हैं कि सोना है, और जब सोने गए हैं तो बोल रहे तरबूज खा के सोऊंगा। वैसे मेरे को बड़ा मजा आ रहा है, मैं बड़ा एंजॉय कर रही हूँ। मैंने ऋषि को ऐसे कभी नहीं देखा। कितने पीस होंगे ये तरबूज के? ये तो खा के पता चलेगा। ये काउंट करते हैं एक, अरे आप इतने वेले हो गए? नहीं, ये नहीं यार, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तरबूज। और इसको? 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 फोक। और इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? मिसेस अरोड़ा। कितने पीस खागी तू? 2 पीस खागी? हाँ। एक मेरे को खिलाया, 3। अब 97 पीस रह गए। एक पीस फिर तू खागी, 96 रह गए, और अब 95 रह गए। तो आप ऐसे पीस खाते रहो, काउंट करोगे?
पहले सो, पहले तरबूज खा रहा था, अभी तो आप बोल रहे थे। अरे अब 95 पीस छोड़े हैं। मैंने भैया को भी बताया कि भैया ऋषि ने ठंडाई पी ली है, तो भैया उसके मजे ले रहे हैं। भैया कह रहे हैं एक नंबर नोट कर, जो नंबर कर दो। भैया लिख रहे हैं, बोलो। 0 79 79। भैया चद्दर पे लिख रहे हैं उंगली से। 79 लिख दिया। उड़ा उड़े नन्ना नन्ने को कन्ना सस्सा एंड मात्रा 79 48 48 अड़तालीस। अच्छा अद्धी ताली 48 40 40 40 हो गया हो गया। किसी नंबर क्या लिखा भैया बताओ? यहाँ लिखा हुआ है, मुझे आपका नंबर याद है, गुल्लू का नंबर याद रहेगा। जो लिखा वही बताओ। पता किसका नंबर लिखा आपने? इसका लिखा है। ओहो, ये तो मेरा ही नंबर है। 79 नंबर था ये तो मेरा। 79 79। आपको लग रहा कुछ आप बियर्ड सा बिहेव कर रहे हैं, कुछ डिफरेंस है? हाँ वो तो फील तो ही रहा है, पर सो जाए ना। हंस के रहे हो? हंस के ये हो रहा है कि आपको आपको लग रहा है और आपके भैया को लग रहा है कि आप लोगों ने मेरे को भांग पिला दी है ना। ये सारी एक्टिंग कर रहा हूँ मैं तुम्हारे सब सब के साथ ही है। सच्ची बताओ, तुम बोलो ना ऋषि को भांग। हाँ, बट वो वाली बात नहीं, मुझे गोलू वाली नंबर वाली बात ना, वो मैं सच्ची गोलू का ही नंबर समझ के लिखा तो बाद में। सच्ची में खुशी नहीं हो रहा था कितनी देर से ऐसी। तुम लोग तुम जो मेरे से दोनों मिलके मेरे से मेरे को पिला रहे हो, ऋषि को वो पिला दे रही है। कैसे पिला रहे हो भैया? ऋषि ने आपका और मेरा उल्लू बनाया है क्या? कह रहे कुछ भी नहीं हो रहा मेरे को, मैं एक्टिंग कर रहा था। पर अभी नॉर्मल खड़े होके कह रहे नींद रूद का तो कोई नहीं मेरे को, पर मैं भी तो कहूँ मैंने भी पियो, मुझे तो कुछ नहीं लगा। ऋषि ने ब्लॉग में बोला है कि भाई और सरी ने जो मेरे साथ किया है ना, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ है। ये हमारे ऊपर प्रैंक कर दिया भैया। उठ जाओ, बड़ा प्रैंक कर रहे थे आपके साथ। बस होना है, पता कितनी देर से सो रहे हो आप? 8 बज गए शाम के। 8 बज गए शाम के, 4 बजे सो रहे हो आप? तो लंबा तो आप दिन में कभी सोते ही नहीं हो। अरे 4 से 8 बज गए तो कितनी देर थोड़ा सोओगे? ऋषि ऋषि उठो। उठा नहीं जा रहा बस। क्या हो रहा है? मेरी बात सुनो, मैंने बोला था ना कि मत पियो, मैं अभी सोई हूँ पर मेरे को तो कुछ नहीं हो रहा, मैंने इतना सा पिया था। मुझे लगता है ऋषि को अच्छे वाली भांग चढ़ गई है, जब से ऋषि आया ना तब से सो रहे हैं, उठ ही नहीं रहे हैं। यह मेरे को डर भी लग रहा है और हंसी भी आ रही है, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा ये करूँ क्या। अगर मम्मा को फ़ोन करती हूँ मम्मा टेंशन में आ जाएंगी। मेरे को समझ नहीं आ रहा किसी को फ़ोन करूँ या ना करूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा। तो मैंने अभी नेट पे ना वो देखा है, क्या कहते हैं, एक रेमेडी देखी है कि ब्लैक कॉफ़ी पिलाओ तो ठीक हो जाता है। लाइक इतना सा क्लास पिया मैंने और मुझे तो बस नींद नींद से ही है। मुझे ऋषि का समझ नहीं आ रहा कि ऋषि को एक्चुअली फील क्या हो रहा होगा, कैसा हो रहा होगा। ऋषि, ये मैंने नेट पे देखा है कि अगर ब्लैक कॉफ़ी पियोगे ना तो आप पी भी लेते हो, थोड़ी सी पियो थोड़ा जागने टाइप हो जाओगे आप, खाना भी खा लो। कुछ नहीं पिया, सोने दो यार बस। ऋषि मेरी बात तो सुनो, पता क्या थोड़ा सा नॉर्मल होगा, अच्छे से करो, एक सी पी लो, एक सी पी लो, ब्लैक कॉफ़ी पी लेते हो प्लीज यार। अरे सोने दो यार, अब जितना बुला रहे हो ना मेरे उतना घबराहट सी हो रही है, मैं लेट आया हूँ सेट हूँ। थोड़ी सी पी लो। कुछ नहीं है यार, चार घंटे हो गए सोते हुए, डर लग रहा। मैं सोच रही ऋषि को थोड़ी देर सोने देती हूँ, सोएंगे रिलैक्स होके अपने आप ठीक हो जाएंगे, बीच बीच में उठाती रहूंगी, देखते हैं क्या करते हैं। टेंशन हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कब तक।
अभी आज है अगला दिन, आप मेरी हालत देख ही सकते हो क्या है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सेट है, सेट है, मतलब कि बिल्कुल सही है। हाँ अभी मैं एडिटिंग कर रहा था तो मुझे रियलाइज हुआ कि इसने रात को शूटिंग किया, हालांकि जब वो शूटिंग होती थी बाद में, लाइक जब वो मतलब कि हालांकि पहले इससे पहले कभी मैंने ऐसे कोई पी नहीं थी भांग वगैरह, तो कल ऐसे ही शौक शौक में हो गया। तो ये था अपना आज का व्लॉग। कंटिन्यूसली सोई जा रहे मैंने कहा क्या हो गया, और फिर पता चला थैंक गॉड कि मैंने सिर्फ इतनी सी टेस्ट की थी और मुझे बस मैं 1-2 घंटे की नींद सोई और मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ पता नहीं। बड़ा आजकल मैंने तो तौबा कर ली, मैं आगे से, क्योंकि मुझे दिन में सोना आई हेट। तो ये था जब लाइक वाला पसंद आया, लाइक बाय शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले व्लॉग कुछ नवी खप लेके, यहीं पे खत्म होगा, यहीं से अगला व्लॉग शुरू होगा।